प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा कांग्रेस जैसे परंपरागत दल बूथ विस्तार एवं घर घर चलो जैसे अभियान के जरिए जनता के बीच अपने पेट मजबूत करने में जुटी है, वहीं अब मुस्लिम हित अधिकारों की बात करने वाली हैदराबाद सांसद असुद्दीन अवैसी की राजनीतिक पार्टी MIM भी अपनी जमीन तलाशने में जुटी है। मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान खरगोन शहर पहुंचे। शहर में जगह जगह उनका स्वागत नागरिकों द्वारा किया गया। उन्होंने पार्टी कार्यालय की शुरुआत कर आगामी चुनावों में पार्टी के बैनर तले प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी। उन्होंने यूपी चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अब मुस्लिम समाज की वोट बैंक बनकर नहीं बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। देश भर में AIMIM चुनाव लड़कर राजनीति में मुस्लिमों की आवाज बनेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अपनी बात रखते हैं, जाते हैं, हक की लड़ाई लड़ते, क्यों जा रहे हैं? आज आप देखिए, आपके सबके पास माशाल्लाह मोबाइल है, बच्चे बच्चों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है। देखिए जितनी इज्जत देश के प्रधानमंत्री के नहीं, उससे ज्यादा इज्जत मोहब्बत और पूरी पूरी कोई पुलिसियत से नवाज रही है अब तक देश की जनता मेरे सदर बहरिश का सब। अब लोग बोलेंगे वारिस भाई अब आए खरगोन को, अब क्या कामयाबी करेंगे मध्य प्रदेश में, आप क्या काम करना चाहते हैं बताइए। हम क्यों हमारे आपके साथ चले, हम क्यों जमात के साथ जाए? तो मैं अपने कुछ काम जो हमारी जमात ने हैदराबाद तेलंगाना में किए वो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। और बताने की वजह ये कि मेरा काम जो हैदराबाद से निकला है तो ये अनुमान लेके निकला है कि जो काम हमने हैदराबाद तेलंगाना में किए वही काम हमको पूरे देश में करना है, वही काम हमको मध्यप्रदेश में करना है। बी टीम कहा जाता है ऐसा आरोप लगता है, क्या लगता है आपको? वो हंसी आती है, सब सुन के कान पक गए। अरे आप ए से लेके जेड टीम तक बना दो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बी टीम सी टीम बोलते हैं ना, इनमें ताकत नहीं बीजेपी को हराने। तो ये इनकी नाकामयाबी का ठिकड़ा हमारे सर पे फोड़ दे, मगर डटा है। 2019 में नहीं लड़े, दो भाजपा जीत के इतने सारे वोटों से इतने सारे सीटें मिल गई। कांग्रेस SP BSP तो साथ में थे ना, क्यों नहीं हरा सके? और हम लड़े 2019 का लोकसभा का चुनाव सिर्फ 3 सीट पर पूरे हिंदुस्तान में, वहां से हम 3 में से 2 जीत कर आ गए। और हमने औरंगाबाद में 30 साल का जो सेना का MP था बीजेपी के साथ गठबंधन में था उसको हराया। हम में ताकत है बीजेपी को हराने की। ये सेक्युलर पार्टियां जो बोल रही है अपने को सेक्युलर पार्टी, हमें ताकत नहीं हराने की। तो हमको बी टीम सी टीम कुछ भी बोलो, तो सदर साहब ने बोल दिया अब हम A+ हो गए। मध्य प्रदेश के अंदर आप जिलों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर मेहनत चल रही है और पार्टियां, लेकिन मध्य प्रदेश में भी प्रदेश लेवल पे आपने आपका पार्टी का कोई नेता नहीं बताया। बड़ा है क्यों, टीम है हमारी। खरगोन के अंदर हमारे पास असर साहब है, इंदौर के अंदर है हमारे पास, रतलाम में हमारे पास, तो हर तरफ है। और देखिए कहीं भी संगठन जब बनता है तो हर तरह के लोगों के साथ बात की जाती है, सबको जमा करके मजबूती करवा पड़ता है। कर रहे हैं पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था पहले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेगी, और इंशाल्लाह मजलिस मध्य प्रदेश में भी आ चुकी है। तकरीबन 3 साल पहले से हमारे लोग यहाँ आए, हमारे पार्टी के कॉरपोरेटर जनाब मीना साहब, नज़ीर साहब आए यहाँ पर, लोगों से मुख्तलिफ जगहों पे मिले, भोपाल, इंदौर, खरगोन, रतलाम, सब तरफ जाकर लोगों से बात की है, यूनिट्स बनाई है, और पूरी तरह से हमारी यूनिट यहाँ पर एकदम काम कर रही है, पॉजिटिवली काम हो रहा है, ग्रासरूट लेवल पे भी काम चल रहा है और हर मुद्दों पे बात रख रहे हैं ये लोग। तो बस हम भी चाहेंगे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन मजलिस यहाँ से लड़े, जो पार्टी के सदर डिसाइड करेंगे वो आपके सामने सही वक्त पे बोला जाएगा। मगर उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आपको लगता है क्या संभावना, कितनी सीटें आएंगी यूपी में चुनाव होने वाले हैं, पार्टी कितनी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार रही है और कितनी सीटें आएंगी? देखिए कितने पे उतार रही है तो साहब ने कहा था क्या हो सकता है 403 के 403 पर उतारे, काफ़ी लिस्ट तो आ चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ ज्वाइंट हुए हैं, जिसके कन्वेयर हैं बाबू सिंह कुशवा साहब, वामन मेशराम साहब हमारे साथ में हैं, और हमने एक मोर्चा बनाकर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचार शुरू किया है। हम वहाँ जा रहे हैं,
दलितों की मजलूमों की आवाज़ बनने, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने, 70 साल से जिनको अधिकार नहीं मिला, जिनको हक नहीं मिला, उनके हक की लड़ाई करने के विचार है। और हमारे सदर ने अनाउंस भी किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 साल में स्टार्टिंग के 2 मुख्यमंत्री होंगे। पहले होंगे बाबू सिंह कुशवाहा साहब ओबीसी, दूसरे हमारे दलित भाई होंगे विश्राम साहब, और हम 3 उपमुख्यमंत्री करेंगे जिसमें एक होगा मुसलमान। आप देखिए 70 साल से उत्तर प्रदेश की जनता का अगर आप देखेंगे तो 20% मुसलमान है। मगर आप वहाँ पर जाकर पूछिए, यादवों का नेता है, जाटों का नेता है, दलितों का नेता है, मगर वहीं पर आप अगर सवाल करोगे कि मुसलमान का कोई नेता है तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। क्यों नहीं है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही नहीं किया ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने। 20% के वोट लेकर 7% वाले यादव को मुख्यमंत्री बना दिया और उनमें से किसी को उन्होंने बनने नहीं दिया, तो क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? नहीं, अभी हिस्सेदारी की लड़ाई, हमको भी उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारा हिस्सा चाहिए, हमको भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए। और हमारे मुद्दे एजुकेशन, हमारे मुद्दे जो कमिटीज़ के रिपोर्ट आए जो दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज भी पिछड़ा हुआ वर्ग है, अब तो हमारे दलित भाइयों से भी पीछे चले गए। मैं नहीं बोलता, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट, एजुकेशन में बैकवर्ड, सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।